आपका पहला सवाल है, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी रूस, डी जर्मनी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जर्मनी। आपका दूसरा सवाल है, लाल नदी किस देश में बहती है? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी वियतनाम, सी मलेशिया, डी भारत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वियतनाम। आपका तीसरा सवाल है, किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है? आपका ऑप्शन है ए देवदार का पेड़, बी शीशम का पेड़, सी बरगद का पेड़, डी मैट्रिक का पेड़। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मैट्रिक का पेड़। आपका चौथा सवाल है, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है? आपका ऑप्शन है ए जेली, बी शार्क, सी घोंघा, डी केचुआ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी घोंघा। आपका पांचवा सवाल है, भारतीय मुद्रा का नाम रूपा किसने रखा था? आपका ऑप्शन है ए शेरशाह, बी जहांगीर, सी हुमायूं, डी अकबर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शेरशाह। आपका छठा सवाल है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए अरुणाचल, बी जापान, सी इंडोनेशिया, डी भारत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जापान। आपका सातवां सवाल है, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? आपका ऑप्शन है ए इंग्लिश, बी उर्दू, सी फारसी, डी हिंदी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उर्दू। आपका आठवां सवाल है, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? आपका ऑप्शन है ए बरगद की, बी लाल चंदन की, सी पीपल की, डी शीशम की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लाल चंदन की। आपका नौवां सवाल है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए मदर टेरेसा, बी सरोजिनी नायडू, सी इंदिरा गांधी, डी कस्तूरबा गांधी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कस्तूरबा गांधी। आपका दसवां सवाल है, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? आपका ऑप्शन है ए वेल मछली, बी शार्क मछली, सी गर्नी मछली, डी डॉल्फिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गर्नी मछली।